रविवार की शाम को करीब 5 बजे लोकसभा चुनाव के बारे में ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा कि इस बार सभी बूथ्स पर पोलिंग के दौरान वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हर उम्मीदवार को देनी होगी। आज से तत्काल देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। 29 अप्रैल और 6 मई को होंगे राजस्थान में 2 चरणों में मतदान, 23 मई को आएंगे नतीजे। When independent India held its first general and assembly elections during 51-2, not everybody was convinced of our capacity to successfully conduct the exercise. In fact, democracies in the world then numbering maybe around 40. Most of them were very skeptical. But India, by conducting our elections, emerged as a, should I say, beacon light for the emerging democracies all over the world. The scale and complexity of the elections has only grown since then. The population of India increased 3.3 times between 91 and 2001 census. But there are other statistics also which have gone up sharply, as expected. Mahatma Gandhi said, democracy must mean the art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of all the various sections of people in the service of the common good of all. स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स।